नमस्कार और आप देखते हैं पल पल। कंट्रोल एरिया में रजिस्ट्री टीका करवाने के लिए बनेगा खास मैकेनिज्म। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9 नगर निगमों में से एक सप्ताह में तथा 15 नगर पालिका व नगर परिषदों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में आगामी 15 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में दी। वहीं उन्होंने बताया कि कंट्रोल एरिया में रजिस्ट्रियां करवाने के लिए खास मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। राजस्व विभाग के अलावा हरियाणा में शहरी विकास प्राधिकरण HSIDTC वन विभाग जैसे संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अगर 14 दिनों के अंदर अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उस डीड को स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसमें कृषि भूमि व खाली पड़ी जमीन की अलग अलग श्रेणी की जाएगी। कंट्रोल एरिया में रजिस्ट्री के लिए 2017 में कृषि भूमि क्षेत्र में 2 करनाल किया गया था, उसे अब 2017 के संशोधन से पहले की भांति 1 एकड़ कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी की जाएगी ताकि रजिस्ट्री के अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही लिया जा सके। रजिस्ट्री कार्यालय में मानव हस्तक्षेप कम से कम हो। सभी संबंधित विभागों को आगामी 1 माह के अंदर लिंक दे दिया जाएगा ताकि तत्काल रजिस्ट्री की जा सके। भविष्य में कूपन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्री डीड का एक नमूना भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर अपनी मर्जी अनुसार डीड करवा सके। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।